एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गोंडवाना के महान प्रवर्तक कास्मो ह्यूमनिस्ट धीमान विजयमानकर 24 जून को छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले के अंतर्गत डौंडी में पहुंच रहे हैं, जहां पर वे गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती के शहादत दिवस पर आयोजित विशाल आदिवासी अधिकार सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं और सामाजिक लोगों से भेंट कर उनकी विभिन्न समस्याओं के समाधान का मार्ग बताएंगे। कार्यक्रम में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच पुलिस ग्राउंड डौंडी में विजय मानकर का संबोधन होगा। इस दौरान वे विशेषतः आदिवासियों के दूसरे पीढ़ियों के अधिकारों पर अपने विचार रखेंगे। इस संबंध में गोंडवाना समाज डौंडी की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही है। उन्होंने आमजनों से अधिक संख्या में पहुंचने की भी अपील की है। ये क्या संकेत देता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बीजेपी की सरकार ये भारत के आदिवासियों को ये 10,000 करोड़ के अंदर 300 लाख करोड़ की संपत्ति की भागीदारी नहीं देना चाहती, ये पहली बात जो है आपको समझने की जरूरत है। और इसलिए मैं नरेंद्र मोदी को कहा कि बगैर नाक का है, अगर नाक होती तो कम से कम औपचारिकता के लिए आज 9 अगस्त को बधाई देते थे। पहली बात तो मैं भारत का पहला लीडर हूं आज तक जिसने भारत के संविधान में इन बातों को लाने के लिए अपने हाथ से जो कोई नहीं कर सका वो 2 बिल भारत की संसद को दिया। मैं संसद में नहीं गया बट आई एम द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडिया इन द होल इंडियन हिस्ट्री आई एम टेलिंग यू जिसने अपने हाथ से 2 बिल बनाकर 1918 में संसद को दिया कि भाई भारत के संविधान में ये अमेंड करना पड़ेगा, पेशा लॉ में ये अमेंड करना पड़ेगा, फॉरेस्ट राइट्स में ये अमेंड करना पड़ेगा, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में ये अमेंड करना पड़ेगा। और ये करके अगर आप अमेंडमेंट कर दो तो जल जमीन जंगल का मालिक आदिवासी बन जाता है। पर बगैर अमेंडमेंट के नहीं होगा। आप कितना भी संविधान का स्लोगन लगा लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर संविधान में यूएन ने जो सेकंड जनरेशन ऑफ इंडिजिनियस राइट्स कहे जिसको मैंने और ज्यादा विस्तारित करके ड्राफ्ट करके संसद को दिया है वो भारत की संविधान में नहीं आएंगे अगर पॉजिटिव अमेंडमेंट संविधान में नहीं आएंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कहते कि भाई धर्म का कॉलम लिखो, क्यों लिखेंगे धर्म का कॉलम, कोई भी धर्म लिखो धर्म का कॉलम लिखो। अरे आदिवासी तो प्रकृति को मानने वाला था, वो इंसान को मानने वाला था, तो आप सेंसस में संस्कृति का कॉलम नहीं बना सकते आदिवासियों के। कोई चाहे कोया पोनेम लिख ले, कोई उसमें सरना लिख ले, कोई डोनी पोलो लिखे, जिसको जो आदिवासी मानता है उसको लिखेगा। लेकिन भारत सरकार बीजेपी की सरकार और इसके पहले कांग्रेस की सरकार ने भी वो काम किया है, भारत के सेंसस में जनगणना में आदिवासियों के कल्चर का वे ऑफ लाइफ का कोड लाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने पिटीशन किया 2019 में, आज ओबीसी के सेंसस की बात हो रही है। मैं ओबीसी के साथियों को ये कहना चाहूंगा, अच्छा हो रहा है विजय मानकर पहला लीडर है जिसने भारत में भारत सरकार को पिटीशन किया और भारत सरकार के अमित शाह के गृह मंत्रालय ने कहा कि हम ओबीसी की जनगणना नहीं करना चाहते, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इसके 10-12 कारण उन्होंने बताए, 14 कारण बताए। मैंने पॉइंट बाय पॉइंट उनको कहा कि ये आपका कैसा गलत है और ऑन द कॉन्ट्ररी ओबीसी की जनगणना यदि होती है तो पिछड़ों के साथ जो भी भेदभाव है वो कैसे समाप्त हो जाएगा, ये मैंने सिस्टमैटिकली पिटीशन किया। आदिवासियों के कल्चरल कोड के लिए पिटीशन किया। आज हमारे साथी सर्व आदिवासी समाज के जो हमारे साथी है भूमकाल सेना का जो अधिकार की बात कर रहे हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें 1 करोड़ आदिवासी हो गए, कहां छत्तीसगढ़ में, ताली बजाओ जोर। अब 1 करोड़ आदिवासी जनगणना में आदिवासी संस्कृति के कोड में अपना नाम लिखाना है, आदिवासी संस्कृति के कोड में अपना नाम लिखाना है। हम
प्रकृति को मानने वाले थे, मानवता को मानने वाले थे। यही हमारा पुया पुनेम है, यही हमारा त्रिमंद सुंदरसरी है, यही शंभु माधव शंभु शेख थे, यही गोपाल लिंगों की शिक्षा थी। अब हमको संस्कृति के कोड में अपना नाम लिखवाना है। और 1 करोड़ आदिवासी यदि छत्तीसगढ़ से अगर सेंसस में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो मोदी सरकार छोड़ो, यूएन भी जो है इसको अनदेखा नहीं कर सकेगी इस बात को।